हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज और उसका लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, हमें पता ही है बोर्ड में जो है दो ही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। वो है होमोजीनियस, जो कि 9.5 थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप होमोजीनियस को अच्छे से ज़रूर देख लें। और अगला टॉपिक है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों टॉपिक में से ही बोर्ड पर क्वेश्चन आता है मैथ्स के पेपर में, ऑब्वियसली मैथ्स में ही आएगा, बहुत ही अजीब सी बात कही मैंने। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो होमोजीनियस डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है ना, वो होती है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर पी और क्यू जो है, पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस इन एक्स। तो भाई, जब कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला फॉर्मेट दिखे, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, सिंगल वाई होगा यहाँ पर, dy/dx चल रहा होगा, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम, इस फॉर्मेट को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर पी और क्यू, जो वाई के साथ लिखा होता है वो पी होता है, अकेला जो है वो इक्वल के उधर होगा, कांस्टेंट या फिर फंक्शन भी हो सकता है। इन ये पी और क्यू या तो कांस्टेंट होते हैं, नंबर्स होंगे, या फंक्शंस होंगे, फंक्शन होंगे एक्स में, याद रखना, वाई में नहीं होंगे। तो इसके ना टोटल दो फॉर्मेट है, एक तो ये वाला, एक उल्टा भी होता है dx/dy वाला, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ये वाला फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन आज करा दूंगा, जो भी एक्सरसाइज के अंदर है इसी वीडियो में, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक ये वाला फॉर्मेट उठाएंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट इतना सही है कि यहाँ पर dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू आपको दिया होता है, आपको पी और क्यू पहचानना है। पी जो है वो, पी और क्यू कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं या फंक्शन भी हो सकते हैं एक्स के अंदर। अब ये आ गया, अब सॉल्व कैसे करें इसको, मेन तो सॉल्व करना है ना। देखो, शुरुआत की तीन एक्सरसाइज में हमने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशियल बनाई, अगले तीन एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंशियल दी होती है, फंक्शन बनाना होता है, तो इंटीग्रेट करना होता है। तो दोनों ही चैप्टर हमको बहुत बढ़िया से आने चाहिए इसके लिए ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पी क्यू आपने पहचान लिया, सबसे पहले इसमें निकलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोलते हैं आई एफ, शॉर्ट फॉर्म में आप आई एफ भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर पी डी एक्स। तो यहां पर आपने p को इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट भी तो x के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो इंटीग्रेट भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो जो भी p का इंटीग्रेशन आएगा उसको e की पावर में लिखना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक नंबर का ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, बस आई एफ निकालो, एक नंबर का अलग से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, पी को इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में और रखना है e की पावर में। उसके बाद इसमें जो कर्व की इक्वेशन होती है, जो भी फंक्शन आने वाला है, कर्व आने वाला है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है y क्रॉस आई एफ q क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये भाई आंसर है, ये जो है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है क्या, y क्रॉस आई एफ। आई एफ आप यहाँ पे निकाल चुके हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आंसर आएगा पुट करना है। उसके बाद जो यहाँ पर q है और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको इंटीग्रेट करना है आपको, और जब इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल में प्लस c तो लगता ही है। तो आपको मेनली इसके अंदर दो चीज़ें याद करनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं e की पावर पी डी एक्स, उसके बाद कर्व की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जो इससे फंक्शन बनने वाला है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y क्रॉस आई एफ क्यू क्रॉस आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस सी। अब एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समझ में आएगा आपको बिल्कुल। ये फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया। 9.6 का पहला क्वेश्चन देखो, dy/dx प्लस टू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। dy/dx प्लस टू वाई इक्वल्स टू, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट पहचानना है, dy/dx प्लस टू वाई इक्वल्स टू। तो देख लो, यही वाला तो फॉर्मेट है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे पी कौन हो गया, टू हो गया, क्यू कौन हो गया,
साइन एक्स हो गया सिंपल, पी और क्यू आपको पता चल गया, देखो कांस्टेंट भी हो सकता है फंक्शन भी हो सकता है एक्स में, है ना, यही तो बताया था, पी और क्यू कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर पी डी एक्स। पी कौन है यहाँ पर, टू है भाई, टू का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, टू एक्स होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है। फिर कर्व की इक्वेशन क्या बताई, y क्रॉस आई एफ क्यू क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी, है ना, तो आई एफ क्या निकला अपना आंसर, e की पावर 2x निकला, यहाँ पर q कितना था, q साइन x है, देख लो भाई q साइन x है ना, तो यहाँ पर साइन x लगाओ, और आई एफ कितना निकला, e की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। अब बस आपको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बात समझ लो बहुत ध्यान से, अगर इसका इंटीग्रेशन कुछ थोड़ा लेंथी हो, समझ रहे हो, मतलब कि चार पांच स्टेप्स लग रहे हैं, पांच छह स्टेप्स लग रहे हैं, तो आप इसको ना अलग से सॉल्व करना, आपको लग रहा है छोटा इंटीग्रेशन है तो यहीं पर सॉल्व कर देना, लेकिन कोशिश करना अगर इंटीग्रेशन बड़ा है तो इसको अलग से सॉल्व करना, बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आई मान करके इसको अलग से सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा है क्योंकि बायपार्ट लग रहा है इसके अंदर, अलग से सॉल्व करेंगे बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x साइन x dx, तो भाई ये बायपार्ट लग रहा है, आई लेट के हिसाब से, आई लेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल होता है सेकंड और ये होता है फर्स्ट। तो आई लेट क्या बोलता है भाई, आई लेट बोलता है पहला सेम यानी कि साइन x सेम, इसका इंटीग्रेशन दूसरे वाले का माइनस, फिर डेरिवेटिव कर दो साइन का, पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, जो भी इसका आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन, ये बोलता है आईलेट, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या है, 2, वो डिवाइड में लगाना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेट कैसे होगा, सेम, फिर इसका डेरिवेटिव 2 dx, ना, ये 2 को तो बाहर ले जाओ आप, तो ये हो क्या रहा है, देखो आप i इज इक्वल्स टू, ये क्या बन रहा था, e की पावर 2x बाय 2 साइन x माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर ले जाओ, और ये आ गया e की पावर 2x cos x dx, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, देखो यहाँ पर अब एक बार और बायपार्ट लग रहा है, तो इसको 1 इसको 2 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x बाय 2 साइन x, हाफ तो बाहर रखो, फिर क्या होगा, पहला सेम, फिर से दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, पहले का डेरिवेटिव, फिर से दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा अपना i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x साइन x बाय 2 माइनस का हाफ cos x, और इसका इंटीग्रेशन होगा फिर से वही सेम, और 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड में लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव होता है भाई माइनस का साइन x, और इसका इंटीग्रेशन दोबारा से e की पावर 2x बाय 2 dx, है कि नहीं। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर 2x बाय 2 माइनस का हाफ e की पावर 2x बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 को बाहर ले जाओ, और ये हो जाएगा e की पावर 2x साइन x dx। देखो भाई फिर से ये बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी थी, i मान ली थी ना, तो अब आप क्या करो, इसकी जगह पर i लगा दो, देखो ना, इसको i तो माना था इसलिए बोला, थोड़े स्टेप्स लगे ना अगर इंटीग्रेशन में, तो आप अलग से सॉल्व करो तभी बेटर रहेगा, बाद में वैल्यू लगा देंगे, क्या दिक्कत है। e की पावर 2x बाय 2 साइन x, और ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x बाय 2 cos x, और ये कितना हो जाएगा प्लस हाफ, और ये हो जाएगा i। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा e की पावर 2x बाय 2 साइन x माइनस का 1 बाय 4 e की पावर 2x और माइनस का 1 बाय 4 आई, ये माइनस का 1 बाय 4 आई इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बाय 4, और इन दोनों में से e की पावर 2x अपॉन में 2 तो कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा साइन x माइनस, इधर क्या बचा cos x
बाय टू। एलसीएम लो जरा, ये हो जाएगा 5i बाय 4 और ये हो जाएगा e की पावर 2x बाय 2, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एलसीएम आ गया 2। देखो भाई 2 2 से तो 4 गया, अब आप 5 को नीचे ले जाओ तो ये आ गया e की पावर 2x बाय 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आपको करना क्या है, i आ चुका है, इसको ही तो माना था आई, बस यहाँ पर पुट कर दो, फाइनल आंसर होगा वाई क्रॉस ई की पावर 2x। तो इंटीग्रेशन आपका बढ़िया होना चाहिए बस, और तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। वाई क्रॉस ई की पावर 2x, इसका आंसर मैंने क्या निकाला, ई की पावर 2x बाय 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ई की पावर 2x बाय 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। ई की पावर 2x को नीचे ले जाओ तो जब इसके नीचे ले करके जाओगे तो ये तो कट जाएगा, है कि नहीं, जब ये इसके नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, बचा गया 1 बाय 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जब ये इसके नीचे जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा ना e की पावर 2x, जब ये इसके नीचे जाएगा तो अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस 2x। तो पीछे एनसीईआरटी में ये आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये स्टेप। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन बस आपको सुधारना है। अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं देखा है मेरे चैनल पर तो ज़रूर देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उससे कि इंटीग्रेशन को हम कैसे करें। लिंक तो दे ही रखा है सारे चैप्टर्स का नीचे, है ना। तो ये हो गया dy बाई dx 3y ए की पावर माइनस 2x, तो समझ ही गए होगे आप p कौन है, 3 है, q कौन है, ए की पावर माइनस 2x। सबसे पहले आपको पी क्यू पहचानना है, if निकाल लो, e की पावर pdx तो ये हो जाएगा अपना 3dx, इसका इंटीग्रेशन होगा 3x। फिर इक्वेशन क्या बताई थी, y क्रॉस if q क्रॉस if dx प्लस c, पुट करो जरा कितना आया, e की पावर 3x, q कितना है, e की पावर माइनस 2x क्रॉस e की पावर 3x dx प्लस, यहाँ पे बेस सेम है, पावर को आप ऐड कर दो तो पावर जब ऐड हो जाएंगी 3x और 2x इतना हो जाएगा, x आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम ही होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। 3x को डिनोमिनेटर में ले जाओ, इसके भी और इसके भी, तो यहाँ पर क्या है, देखो भाई बेस सेम है, पावर माइनस होगी, x में से 3x गए, बचेगा माइनस 2x और इसको ऊपर लिख दो तो माइनस 3x, बस ये इसका फाइनल आंसर। कंपैरेटिवली वही इंटीग्रेशन अगर छोटा होगा तो सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, इंटीग्रेशन बड़ा होगा तो सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत लगी हो आपको क्वेश्चन समझने में या आगे भी तो कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं बिंदास। इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सबका नीचे लिंक मैंने दे रखा है। तो dy by dx कितना हो गया, प्लस y by x is equals to x square। ये है थर्ड क्वेश्चन, तो इसके अंदर भाई y के साथ जो होता है 1 upon x वो p है और जो इक्वल टू में है वो q है, तो if कैसे निकलेगा, if निकलेगा e की पावर p dx, e की पावर 1 by x dx, 1 by x का क्या होता है, log x। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सीख लो भाई, e और log जब भी साथ में होते हैं, है ना, मैंने पहले भी बता रखी है इंटीग्रेशन के अंदर, e और log जब भी साथ में होते हैं तो यही आंसर होता है, जो log के साथ लिखा होता है वही आंसर होता है। e और log जब भी साथ में होंगे पावर में तो जो log के साथ लिखा होगा वही आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या है, x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x। फिर कर्व की इक्वेशन क्या है, y क्रॉस आई एफ क्यू क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो y क्रॉस x, q कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, तो करो भाई इसको, ये तो हो गया एक्स वाई, ये हो गया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स फोर बाय फोर, बस पीछे ये आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा पी कौन है, सेक एक्स है, और क्यू कौन है, टेन एक्स है, तो इंटीग्रेट आई एफ कैसे निकलेगा, ई की पावर किसका इंटीग्रेशन, पी का
और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक प्लस टेन। ई लॉग साथ में है तो आंसर कितना आया? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ई और लॉग साथ में होगा तो आंसर होगा जो लॉग के साथ लिखा है। फिर कर्व की इक्वेशन क्या है? वाई क्रॉस आई एफ क्यू क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y ये हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स, क्यू है टेन एक्स, आई एफ आया sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा y sec x प्लस टेन एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई करो sec x टेन एक्स और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x डी एक्स प्लस सी। जब भी टेन स्क्वायर एक्स लिखा हो इंटीग्रेशन के अंदर तो टेंथ क्लास वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या था टेंथ क्लास वाला फॉर्मूला? सेक एक्स टेन एक्स। टेंथ क्लास वाला फॉर्मूला है टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस सी, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? सेक एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस। ये पीछे आंसर है आपका एनसीईआरटी में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फाइव, फिफ्थ में है कॉस स्क्वायर एक्स डीवाई बाई डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स। तो भाई यहां पर आपने देखा होगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट में डीवाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ये भसूड़ी डाल दी इसने, दे दिया। तो सबसे पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को क्या करो? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। क्या लिखेंगे? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय, किससे कर दिया? कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से तो हट जाएगा, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर भी अपॉन में आ जाएगा, है कि नहीं? अब कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा वाई सेक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पर भी टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अरे यार ये कॉस स्क्वायर एक्स था, सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स से बन गया ये सेक्स स्क्वायर एक्स। तो अब आपको पहचान में आ गया होगा पी है सेक्स स्क्वायर एक्स और क्यू है टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई की पावर पी डी एक्स। तो e की पावर p कौन है? सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। तो ये आ गया अपना क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कर्व की इक्वेशन क्या बताई? y क्रॉस आई एफ क्यू क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई की पावर टेन एक्स, q कौन है? टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, आई एफ आया e की पावर टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आप देखो, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा है तो आई मान के इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन है ई की पावर टेन एक्स डॉट टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स को क्या मान लो? टी मान लो। डेरिवेटिव करोगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ये हट गया। तो ये क्या आ जाएगा? ई की पावर टी और ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt। देखो भाई, अगर आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि दिक्कत हो रही हो, तो यार इंटीग्रेशन आपका वीक है, आपको इंटीग्रेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा आकर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़िया बनानी है तो। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना पार्ट कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन इसके अंदर ज़्यादा है ना। अब देखो यहाँ तक तो हर कोई करेगा ही ना, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ज़रा ज़रा सा पार्ट है बस। लेकिन मेन इस चैप्टर पर कौन हावी है? इंटीग्रेशन। तो वो बहुत बेहतरीन बनाना पड़ेगा आपको, तभी आप बढ़िया से कर पाओगे डिफरेंशियल, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगेगा बाय पार्ट, तो ये वन ये टू। तो क्या होता है? पहला सेम इंटीग्रेशन दूसरे वाले का, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम। फिर पूरे का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो तो फिर से सेम ही आ जाएगा।
टी किसको माना था, 10x, ई की पावर 10x, ई की पावर 10x कॉमन ले लो, ई की पावर 10x कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 10x माइनस वन। अब आपको करना क्या है, बस इसकी जगह ये लगा दो, ये आंसर है वाई क्रॉस ई की पावर 10x इज इक्वल्स टू ई की पावर 10x प्लस सी। अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके जब ये इसके नीचे जाएगा तो कट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 10x माइनस वन। और जब ये सी के नीचे जाएगा तो नेगेटिव करके लिख दो, ऊपर करके लिख दो, ई की पावर माइनस 10x। जब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो ऊपर लिखना है तो नेगेटिव पावर करनी पड़ेगी, है कि नहीं। आ जाओ आगे, सिक्स्थ पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब इसको अपन को करना है, तो सबसे पहले देख लो x दिक्कत दे रहा है, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड द होल इक्वेशन, किससे कर दिया, बाय, तो यहां से तो हट जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर जब आएगा तो यहां से x कट जाएगा, तो ये क्या बचा, x log x बचा। तो p कौन है, 2x है, p है 2x, और q कौन है, x log x। तो इक्वेशन क्या होती है, y, पहले पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e की पावर p dx, p कौन है, 2x, 2 तो बाहर ले जाओ, 1 बाय एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। अब देखो 2 को ना पहले ऊपर ले जाओ पावर में, इसको आपको लिखना पड़ेगा लॉग एक्स स्क्वायर, है ना भाई। आपने पढ़ा होगा कि जब लॉग ए की पावर बी होती है तो बी आगे आ जाता है, बी लॉग ए हो जाता है कि नहीं, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो ऐसे हम पावर में भी चढ़ा सकते, तो 2 पावर में चला जाएगा, ई लॉग साथ में आ गया, तो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आई एफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो कर्व की इक्वेशन क्या होगी, y क्रॉस आई एफ q क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर, और q कितना था, q है x log x, देख लो भाई, q था अपना x log x, इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस। तो ये क्या कर दो दोबारा से, ये हो जाएगा x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब log x। अब यहां पर भी देखो वही है, इसको क्या करो, i मानो, अलग से सॉल्व करो क्योंकि बाय पार्ट लग रहा है, तो आई क्या हो गया, एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो क्या बोलता है, पहला सेम, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लॉग एक्स का, फिर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स क्यूब का होता है एक्स फोर बाय फोर, डेरिवेटिव लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, एक्स फोर बाय फोर डी एक्स। तो ये एक्स फोर बाय फोर लॉग एक्स तो बाहर ले जाओ, ये तीन बचेगा, चार बाहर ले जाओ, एक्स क्यूब रह गया अंदर, एक्स क्यूब का दोबारा कर दो, एक्स फोर बाय फोर लॉग एक्स, इसका होगा एक्स फोर बाय फोर, दोनों में से एक्स फोर बाय फोर, एक्स फोर बाय फोर लॉग एक्स, और ये हो जाएगा 1/16 एक्स की पावर 4, है ना, क्या को मना रहे, एक्स की पावर 4 बाय 4 कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पे लॉग एक्स माइनस 1/4, एलसीएम लोगे एक्स 4 बाय 4 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4 लॉग एक्स, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, एक्स 4 बाय 16 4 लॉग एक्स माइनस 1। अब क्या करो, इसको हटाओ, ये लगा दो, तो ये क्या हो गया, वाई एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर आ गया एक्स फोर बाय फोर सिक्सटीन, सॉरी 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। चाहो तो एक्स स्क्वायर नीचे लेकर के जा सकते हो, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को नीचे ले गया तो ये कट के आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16 4 लॉग एक्स माइनस 1, और जब इसके नीचे जाएगा सी बाय एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2। तो ये पीछे एनसीईआरटी में आंसर है, ठीक है भाई। 7 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जाएगा x
लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई टू बाय एक्स लॉग एक्स। तो यहां पर भी सबसे पहले एक्स लॉग एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स लॉग एक्स, तो यहां से तो कट जाएगा, इधर अपॉन में आ जाएगा टू बाय एक्स और ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, तो ये क्या आ जाएगा टू बाय एक्स स्क्वायर। तो पी कितना हो गया वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, क्यू कितना हो गया टू बाय पी और क्यू आ गया है ना। तो आई एफ क्या होगा, आई एफ होगा ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर टू बाय एक्स स्क्वायर, टू तो बाहर चला जाएगा, अरे यार किसका कर रहा हूँ, पी तो ये है ना वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का लॉग एक्स को अगर आप टी मानते हो तो इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स हट के आ जाएगा डी टी बाय टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी, तो आंसर होगा टी, और टी किसको माने लॉग एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा लॉग एक्स। कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई क्रॉस आई एफ क्यू क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी, आई एफ क्या है लॉग एक्स, क्यू कितना है टू बाय एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब करना पड़ेगा भैया इसको फिर से वही आई मान, तो ये हो जाएगा टू बाय एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, इसको वन इसको टू, तो पहला सेम इंटीग्रेट करेंगे दूसरे वाले का, डेरिवेटिव निकालेंगे पहले वाले का और इंटीग्रेट करेंगे दूसरे वाले का और फिर पूरे का, बाय पार्ट ज़्यादा आ रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर है ना। तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का है, याद है, इसको डायरेक्ट करना है आपने, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, तो टू तो बाहर आ जाएगा तो इसका क्या होगा माइनस वन अपॉन एक्स है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस टू बाय एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू बाय एक्स माइनस माइनस प्लस, फिर से आ गया टू बाय एक्स स्क्वायर, फिर से इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा माइनस टू बाय एक्स लॉग एक्स प्लस इसका माइनस टू बाय एक्स, दोबारा माइनस टू बाय एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा लॉग एक्स प्लस वन, ये आगे आई बस यहाँ पे लगाना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, वाई लॉग एक्स सेम रहेगा माइनस टू बाय एक्स लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ये होगा इसका फाइनल, यहाँ पे लगा दिया बस। क्वेश्चन नंबर सेवन में इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ बोर्ड में, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई टू एक्स वाई डी एक्स और ये हो जाएगा कॉटेक्स डी एक्स। अब यहां पर क्या है, इन्होंने फॉर्मेट ही बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया, तो पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई यहीं पर रहने दो, कॉट एक्स डी एक्स माइनस टू एक्स वाई डी एक्स, ऐसे डी एक्स कॉमन ले लो, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस, तो डी एक्स इसके नीचे और वन प्लस एक्स स्क्वायर उसके नीचे है ना, ये इसके नीचे ले गया और ये पूरा इसके नीचे ले गया, अलग अलग कर दो आप, कॉट एक्स के नीचे भी लगाओ वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसके नीचे भी लगाओ वन प्लस एक्स स्क्वायर और वाई वाले को भी जड़ ले, अब बन गया ये आपका फॉर्मेट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई कॉट एक्स अपॉन में वन प्लस। तो ये वाले क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि फॉर्मेट आपको बनाना पड़ रहा है यहाँ पर, तो पी कितना हो गया टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू कितना हो गया कॉट एक्स अपॉन में वन प्लस, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा,
ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लोगे तो डेरिवेटिव होता है टू एक्स डी एक्स डी टी। तो क्या आ गया ऊपर, डी टी बाई टी, तो ये हो गया ई की पावर लॉग टी, तो ई लॉग, तो टी टी किसको माना, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या फॉर्मूला होगा, वाई क्रॉस आई एफ क्यू क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ कितना आया, वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू कितना था भाई, ये रहा कॉट एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ कितना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो ये तो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर तो गया, बचा क्या, वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बचा कॉट एक्स प्लस सी। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, इसको नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा लॉग के नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी के नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप इसको ऊपर लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा सी वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, ठीक है कि नहीं। एट्स पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर एट। सॉरी यार, ये क्वेश्चन नंबर एट था, मैंने सेवन दो बार करा दिया, सेवन करवा दिया था पहले, अब ये एट, अब नाइन्थ करें। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन में क्या है देखो भाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी। अब यहां पर भी फॉर्मेट बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, वाई कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, बचा वन प्लस एक्स कॉट एक्स, और ये जो माइनस का एक्स है ना उधर ले लो। समझ आया क्या करा, ये सेम लिख दिया, इन दोनों में से वाई कॉमन लिया, बचा वन, बचा एक्स कॉट एक्स माइनस एक्स उधर। अब एक्स से पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स। तो यहां से तो हट जाएगा, इधर वन के नीचे भी आ जाएगा, और जब इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा, और यहां पर भी कट जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। सबको एक्स से डिवाइड कर दिया, बन गया पी। कौन है पी, है वन अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, क्यू है वन। तो आई एफ क्या निकलेगा, ई की पावर पी डी एक्स वन अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, और ई और लॉग जब साथ में होगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स साइन एक्स। तो इक्वेशन क्या है, वाई क्रॉस आई एफ क्यू क्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो वाई एक्स साइन एक्स, क्यू कितना था वन, एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहां पर ये आ रहा है अपना y, फिर एक्स साइन एक्स, और ये आ रहा है अपना एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस। यहां पर आप यहीं पर बाय पार्ट लगा सकते हो, वन टू मानकर अलजेब्रा ट्रिगो, इसमें कुछ ऐसा हाईफाई नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, पहला सेम साइन का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव x का साइन का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई एक्स साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव वन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो वाई एक्स साइन एक्स, माइनस का एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन प्लस सी। सबको साइन एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स साइन एक्स से सबको डिवाइड कर दो, इसको भी और इधर भी। इधर से आंसर क्या आया, माइनस का कॉट एक्स, इधर से वन बाय एक्स, और ये तो ऐसे ही रहने दो, ये पीछे आंसर है।
ठीक है भाई, तो इस फॉर्मेट पे नौ क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि नौ के नौ आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट जरूर करें या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।